हेलो व्यूअर्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, बात करेंगे एक और टीचर वैकेंसी के बारे में जिसका नोटिफिकेशन आ रहा है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस गोरखपुर की तरफ से। दोस्तों, हम जानेंगे कैसे अप्लाई करना है, कब लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितना स्टूडेंट मिलने वाला है और क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो चलते हैं दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, बात करेंगे डिटेल्स में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों, आपकी जो पोस्ट रहेगी वो प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी पोस्ट रहेगी। नंबर आप जो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट हैं वो 105 पोस्टों के लिए आवेदन पत्र मांगा गया है। यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज जो पोस्ट हैं वो मेंशन की गई हैं, तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आप अपनी चेक कर लीजिएगा। आपकी जो सैलरी रहेगी वहाँ यहाँ पे दोस्तों मिनिमम आपकी 1,15,000 रुपये से लेके 1,68,900 तक रुपये आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अलावा चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो ये दोस्तों इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैंने डाउनलोड कर लिया। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी परमानेंट जॉब है और यहाँ पे ये एम्स गोरखपुर की तरफ से निकाली गई है। यहाँ पे आपकी जो ग्रुप ए की पोस्ट है और यहाँ पे 30 डेज, आज की तारीख से आप 30 डेज की आपके पास टाइम है, आप 30 दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट स्पेशल कोई मेंशन नहीं की गई है, ये पे लेवल है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इसके और दूसरा जो दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे सब्जेक्ट बारे में डिटेल्स बारे में और देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपकी सब्जेक्ट मेंशन किए गए हैं, तो आप इसे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपकी परमानेंट जॉब रहेगी, ग्रुप ए की पोस्ट है आपकी, और ये दोस्तों यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट मेंशन की गई है। यहाँ पे प्रोफेसर, एडिशनल प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसे एक बार अपना देख लीजिएगा। और अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो दोस्तों यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। यहाँ पे आपका जो पे है वो बहुत ही अच्छा है और यहाँ पे आपके जो वैकेंसी है वो नंबर ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे आपकी काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी यहाँ पे आपको आप रिजर्वेशन अगर आपको मिलता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अनुसार आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप रिजर्वेशन के लिए अप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं, कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिएगा वरना आपकी जो पोस्ट है वो निरस्त कर दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों क्वालिफिकेशन मेंशन की गई हैं, तो दोस्तों हम बेसिकली पहले बात कर लेंगे यहाँ पे जो प्रोफेसर्स के लिए डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आप देख लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर, चूँकि आप अगर फ्रेशर हैं तो यहाँ पे आपके पास आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही अप्लाई करेंगे और अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो क्वालिफिकेशन है मेडिकल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हैं वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की क्वालिफिकेशन रहेंगी वो 1 और 2 पैरा में जो क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है वहीं पे यहाँ पे रहेंगे जो प्रोफेसर के लिए हैं। इसके अलावा दोस्तों बेसिकली यहाँ पे आप अपने जो आपने जो क्वालिफिकेशन है अपने स्पेशलाइजेशन में कंप्लीट किए हुए, और इसके अलावा यहाँ पे आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसे अप्लाई करने से पहले आप एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा, तभी दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई कीजिएगा। स्पेशलाइजेशन आपका मांगा गया है कि अगर आप एनाटॉमी में अप्लाई करते हैं तो एमएससी आप ह्यूमन एनाटॉमी में अपनी एमएससी कर रखी हो, तो दोस्तों यहाँ पे आपकी स्पेशलाइजेशन मेंशन की गई है, तो आप जिस स्पेशलाइजेशन से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है उस हिसाब से अपना देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे नीचे चलेंगे और जनरल कंडीशन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है दोस्तों, यहाँ पे इसका लिंक दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको वीडियो के इन में बता दूंगा कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। 30 डेज यहाँ पे आज से इसकी लास्ट डेट है। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यहाँ पे दोस्तों आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी पड़ेगी, अप्लाई करने के बाद आप अपना प्रिंट आउट ले सकते हैं और विद इन 15 डेज के अंदर आपको भेजना रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों ये एड्रेस दिया गया, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। और इनवेलप पे आपको अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं वो जरूर वहाँ पे आप लिख दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों पे लेवल देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रोफेसर का पे लेवल रहेगा वो दोस्तों यहाँ पे 1,68,000 मिनिमम रुपए रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो एडिशनल प्रोफेसर रहेंगे उनको यहाँ पे 1,48,200 मिनिमम पे दिया जाएगा, इससे मैक्सिमम ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम ये आपका इतना तो दिया ही जाएगा। इसके अलावा एसोसिएट प्रोफेसर का दोस्तों यहाँ पे 1,38,300 है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे दोस्तों 1,01,1500 यहाँ पे 1,1500 रुपये पे यहाँ पे आपको मिलने वाला है।
इसके अलावा दोस्तों नीचे चलेंगे मैक्सिमम एज के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम एज अगर आप प्रोफेशनल एडिशनल प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई करते हैं तो 50 ईयर से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। वहीं पे अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के अप्लाई करेंगे तो 50 ईयर से आपकी ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जैसे कि आप यहाँ SC ST से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की, OBC से 3 साल और PWD के हैं तो 10 साल, और इसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो यहाँ पे आपको 5 साल की आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ वैसा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, लेकिन अप्लाई करने से पहले दोस्तों इसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्शन आपका होगा, पहले तो यहाँ पे दोस्तों आपके शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी जितने भी आपके क्वालिफिकेशन हैं उनके अनुसार, देन आपका यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, गोरखपुर में आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इसकी डेट जो है वो दोस्तों आपको इसके ऑफिसर साइट पे मेंशन कर दी जाएगी, तो प्लीज़ आप लोग ऑफिसर साइट जरूर विजिट करते रहिए, वहीं पर आपको इसकी डेट मेंशन की जाएगी। अप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को 3,000 रुपये फ़ीस पे करनी पड़ेगी, वहीं SC ST वुमेन कैंडिडेट्स को जो है उनको 200 रुपये फ़ीस पे करनी रहेगी, लेकिन उनकी फ़ीस जो रहेगी वो रिफंडेबल है। अगर आप इंटरव्यू में शामिल होते हैं तो आपकी फ़ीस जो है वो रिफंड कर दी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे आपके पास अगर आप कहीं पे गवर्नमेंट सर्विस करते हैं तो आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों चलेंगे इसके ऑफिसर साइट पे और देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसके ऑफिसर साइट मैंने पहले से ओपन कर रखी थी, अगर आप इसे ओपन करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसे ओपन कर सकते हैं। ऑफिसर साइट पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे रिक्रूटमेंट करके एक सेल बनाई गई, यहीं पे आप रिक्रूटमेंट लिंक करके मेंशन किया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा जहाँ से आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। वेब अप्लीकेशन लिंक यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट नोटिस दी गई हैं तो आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नोटिस फॉर कैंडिडेट दी गई हैं तो इन्हें भी आप एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, तभी आवेदन करिएगा। ये दोस्तों आपकी वैकेंसी थी और उम्मीद करूँगा कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे दोस्तों एक अन्य पोस्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ।